सो गाइस, तो जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम गए थे शारदा मंदिर जो कि बरेला में है, और अभी फ़िलहाल लौट रहे हैं हम सदर के लिए। और सदर में बहुत सारी माता जी रखी जाती हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सो अब इधर क्या हुआ कि जब मैं जबलपुर से बरेला आ रहा था तो मेरा माइक के रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, बिल्कुल भी ज़ीरो, मतलब निल, कोई रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब फिर से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स मेरी ही बाइक हाईजैक कर लेते हैं और मेरे पास छोड़ देते हैं सीवी शाइन। सुन रहे हो, सीवी शाइन, होंडा की सीवी शाइन। ओके, तो अब मैं इसमें ब्लॉग कर रहा था बट कोई वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई। भाई इतना फनी ब्लॉग बन जाता ना अगर ये वाला वॉइस मेरा रिकॉर्ड हो जाता तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे, बाय द वे ये शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। मैं काला देखता हूँ, नहीं आऊंगा। मैं दिख रहा हूँ। तो भाई हम आ गए गोप्रो पे, है ना, आवाज आ रही है ना, टक टक आ रही है। तो भाई ठीक है, बढ़िया, देख लीजिए ये हमारे डब्ल्यू टी क्रेज। तो भाई ये आ गए, पता नहीं क्रेज भैया क्या कर रहे हैं, आ गए सदर पे। सदर आ गए अच्छी अच्छी आपको माता जी दिखाएंगे। बाल कटवा ले? हाँ, रात में 2 बजे किसी को बाल कटवाने तो दुकान का नाम नहीं है। अच्छा, ओके ओके, सॉरी। 24x7 दिन में नहीं चलती ना क्या? भाई ये गुरु भाई, ये आ गया क्रेज भाई। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ भाई। चिकन का शैम्पू अरे तेरे लिए दुकाने को। अरे अभी हम आ चुके हैं अपने लास्ट मंदिर, मतलब जो इतना, मतलब पूरे सदर में हम लोगों ने मोस्टली देख लिए हैं। अब ये जो माता जी रखी गई हैं वो हमारे यहाँ पे लास्ट है। तो आइए हमें, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? नहीं भाई, माई जबलपुर अपना है क्या? लो आ गए क्या लिखा है पांडा? चलो भाई भाई, तुम लोग बताओ माँ जबलपुर वाले ब्लॉग बनाते हैं? नहीं ना, कोलैब करेंगे माँ जबलपुर वाले, ये बताओ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, जय मां पिंडी वाली आर।
जीवे तेरा जम्मू दराजा जुग जुग जीवे तेरा जम्मू दराजा जिस तेरा पवन आ गए और अपनी गाड़ी सेफली खड़ी हुई यहाँ पे रही यहाँ पे। बाकी अब कहाँ जाना है साहिल? यहाँ से उन लोग को उठाना है, पहले तो उठाना, उसके बाद पेट पूजा देखो। अरे रुको ये हम उखाड़ेंगे हम उखाड़ेंगे हम अच्छी लग रही है उसकी आवाज ऐसी आ रही थी। चल भी उससे अच्छी तो पहले ही लग रही थी। गाइस अभी जहाँ हम आए हैं ये गोरखपुर में ही माता जी पड़ती हैं और ये हर साल ऐसे सजा जाता है, तो आपको आगे शो करता हूँ मैं। और पहले यहाँ पे आजू बाजू पेंटिंग्स लगी रहती थी, इस बार नहीं है। बाकी यहाँ पे एक गली है तो गली को पूरा सजा दिया जाता है और यहाँ पे राइट साइड में हमें माता जी बैठी दिखेंगी। हमारे मुंह में चलते चलिए बहुत तेज। नहीं अच्छे एपिक शॉट ये वाले सेक्सी। We'll be right back.
हमारे ब्लॉग में विघ्न डालने के लिए सूर्या जी आ चुके हैं। हाँ तो भैया सुनो, अबे ऐसी मेरे बात को तो कर लेने दो, अरे चुप रहे ना यार। हाँ तो भैया ये अभी 3:30 बज रहे होंगे रात के, 3:26 करीब। और मैंने लोगों को टाइम ही नहीं बताया। हाँ तो मैं बता दिया ना, मैं तो बताया ना, तू तो हक खा ही लेता है हर चीज़। तो भैया ये है तिलवारा घाट जबलपुर का। अब रात में 3:30 बजे आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग तो देख ही रहे होंगे, ये सिनेमैटिक लेने का आया है ना। हाँ बैठी नहीं है इसमें, और हमारी MT15। और चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस आपको हम खाना खाते हुए। तो चलते हैं यहाँ से ढाबे में, चलते हैं यहाँ पे पास में ही एक ढाबा है जो नर्मदा ढाबा ना, विष्णु ढाबा है। हाँ तो विष्णु ढाबा चलते हैं। क्या नाम है? WT क्रेज ना। तो चलते हैं और मिलते हैं आगे, बाय। WT क्रेज है, CRAZ आ गया होगा। तो आपने भी अभी तक के फॉलो नहीं किया है तो WT क्रेज को जल्दी से आगे फॉलो कीजिए। थैंक यू भाई, आ जा। थैंक यू, थैंक यू। नाम तो पीछे था अभी भाई। हम लोग भी बैठे हैं वहाँ पे, इनके दो दोस्तों बैठे हैं, घर से भाग के आए हैं। अच्छा घर वालों को पता नहीं अभी लोग कहाँ पे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अभी घर वालों को पता नहीं है कहाँ पे हैं, और तलवारा में बैठे हुए हैं तीनों, ये मिल सकते हैं उनसे। चल मार रहे हैं तीनों, एक्चुअली अंधेरा बहुत है तो आप लोग दिख नहीं रहे होंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको नेक्स्ट शॉट में, बाय। सो गाइस अभी हम तलवारा से पूरा घूमते हुए, क्या हुआ कि अभी 4 बज रहा है और कहीं पे भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तो घूमते घामते यहाँ पे जो मैंने आपको मिलाया था सूर्यांश से, तो सूर्यांश का यहाँ पे जो समिति रहती है ना दुर्गा जी की, तो वहाँ पे यहाँ पे पंडाल है, तो वहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। या फिर जाते हैं 24/7 अपने मदन महल के पास और वहीं से कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप यहाँ के सिनेमेटिक्स देखिए। बस अपनी राइड की एंड राइड की नहीं, अबे अपने लिए तो राइड ही थी। हाँ चल तो यार अभी बज रहा होगा 4:30, 5:30 बज गया भाई, 5 बज गया है और अब निकल रहे हैं सब लोग घर। और फिलहाल अभी हम लोग मदन महल में थे, यहाँ पे रेल कुछ रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का। अभी अपन ने क्या खाया था, पाव भाजी खाए थे ना, साबुदाने की खिचड़ी। अबे हाँ बेचारे का उपास है, अब नमक नहीं खा सकता पूरा दिन। तो बस यही लगे था और फिर चलते हैं घर की ओर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और भाइयों को भी सपोर्ट करो। कीड़ा सपोर्ट भैया, हम लोग को सपोर्ट नहीं चाहिए, हम लोग की इंस्टाग्राम इतनी ग्रो नहीं करती है, इसको करियो। ठीक है करो करो, ठीक है। तो भाई सब नहीं जाने दो। चलो ठीक है, ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है, बाय बाय गाइस। इन हवाओं में कहीं क्या मैं डूब जाऊं, इन तनावों में कहीं बिखर दूं आसमान रंगीन, और यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। मतलब कितने बुरे दिन आ गए ना, लड़के के साथ बैठ के ऐसा गाना गाना पड़ रहा है।